वेल तो हे गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल। माय नेम इज पंकज। तो वेल, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से, जो कि हमें इस बार रीमैच देखने को मिला, लेकिन रिजल्ट अलग देखने को मिला। और यह मैच था जो कि कैरियन क्रॉस वर्सेस कीथ ली के। वेल तो या ऑब्वियसली यह मैच हमें वापस से देखने को मिला, एंड इनक्रेडिबल मैच। मतलब मैच दोनों बहुत ही अच्छा देते हैं, दोनों ऑसम सुपरस्टार हैं। दोनों ने पहले एनएक्सटी में भी फाइट कर रखी है, एनएक्सटी टेक ओवर में भी फाइट अच्छी खासी कर रखी है। वेल तो उस जब हमें मंडे नाइट रॉ में पिछली बार भी जो फाइट हुआ था इनके बीच में, जो हमें क्लैश देखने को मिला था इनके बीच में, दोनों इनक्रेडिबल मतलब मैच अच्छा था। वेल वहाँ पर रिजल्ट की वजह से थोड़ा अजीब लग रहा था, तो वेल वहाँ पर कीथ ली ने मतलब हार गए थे मैच को। वेल तो वहाँ पर जो कि कैरियन क्रॉस उस मैच को जीत गए थे। तो वेल यहाँ पर हमें कुछ अलग देखने को मिला, जहाँ पर मतलब दोनों की तरफ से हमें अच्छी खासी रेसलिंग देखने को मिली, एंड जहाँ पर हमें क्या देखने को मिला कि कीथ ली ने यहाँ पे हरा दिया कैरियन क्रॉस को, जो कि आई थिंक इनक्रेडिबल था। एंड यहाँ पे क्राउड का रिएक्शन भी ओपी था, अच्छा लगा क्राउड को। मतलब जब क्राउड को अच्छा लगा तो ऑलमोस्ट यह मतलब अच्छा ही गया स्टोरी। सो वेल यहाँ पे हमें ये थिंग देखने को मिले। वेल वैसे मतलब कीथ ली वर्सेस कैरियन क्रॉस की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी खासी है रिंग के अंदर, एंड दोनों बंदों ने अच्छे खासे मैचेस दिए हैं साथ में मिलकर। तो वेल मे बी हमें हो सकता है कि आगे भी चल के फ्यूड देखने को मिले, बट ये जो ये स्टोरी थी यहीं तक एंड होती है। एंड जो कीथ ली है वो कमबैक के बाद मतलब इनको पहला विक्ट्री मिलता है, जो कि ओवरऑल बहुत ही अच्छी बात है। सो वेल अब ये मोमेंटम इनको मिला है, तो मोमेंटम को बनाए रखे, जो कि बहुत ही अच्छी बात रहेगी आगे चल के। सो वेल आपका क्या ओपिनियन है इस थिंग के ऊपर, हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वेल वैसे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो यार लाइक डिसलाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है कर सकते हो। एंड हाँ, सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन। समय की मार है या मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने आरकेओ था लगाया।